आज हम बात करेंगे कि अगर हमारे मुंह से कोई दांत निकला है तो उसे लगवाने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। तो इस वीडियो को हम दो भाग में डिवाइड करके देख सकते हैं। पहले हम बात करेंगे कि हमारे मुंह से एक दांत या कुछ दांत मिसिंग हैं तो उनको लगवाने के लिए क्या ऑप्शंस हैं, और दूसरी बात कि अगर हमारे मुँह में कोई भी दांत नहीं है तो हमारे पास क्या ऑप्शन मौजूद हैं नए दांत लगवाने के लिए। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट कंडीशन से, जिसमें हमारे मुंह में कुछ दांत मिसिंग हैं या सिर्फ एक दांत मिसिंग है, तो उसमें हमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो पहला ऑप्शन जो हमारे पास है वो है रिमूवेबल पार्शियल डेंचर, यानी कि RPD। रिमूवेबल पार्शियल डेंचर यानी कि एक पार्शियल डेंचर जिसमें कुछ ही दांत हैं और वो रिमूवेबल है, पेशेंट उसे उतार सकता है और लगा सकता है। तो डेंटिस्ट इस केस में हमारे मुँह में एक पिंक कलर की प्लेट लगाते हैं जिसमें दांत लगे होते हैं। यह पेशेंट दिन भर लगा कर रखते हैं और रात में इसको साफ़ करके ब्रश से क्लीन करके पानी में रख देते हैं और सुबह फिर से लगा लेते हैं। तो ये रिमूवेबल है और पार्शियल डेंचर है, इसका कॉस्ट सबसे कम रहता है। यह लगभग 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक एक दांत का कॉस्ट हो सकता है, कभी कभी इससे थोड़ा ज़्यादा, जो कि आपके डेंटिस्ट की क्वालिफ़िकेशन और आपके एरिया, आपकी सिटी, उस पर डिपेंड करता है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास जो मौजूद है वो है फिक्स पार्शियल डेंचर, यानी कि FPD। इसे इसमें भी कुछ ही दांत मिसिंग होते हैं, इसमें जो आपके आगे या पीछे वाले दांत हैं उनकी सपोर्ट से उनकी कटिंग करके दांत फिक्स किए जाते हैं। अगर आपका एक दांत मिसिंग है तो आपके एक आगे वाले दांत की कटिंग और एक पीछे वाले दांत की कटिंग की जाती है और उन पर कैप लगा कर 3 यूनिट का सेट बनाया जाता है, जिसको फिक्स पार्शियल डेंचर कहा जाता है। ये डेंटिस्ट द्वारा फिक्स किया जाता है, इसे पेशेंट उतार नहीं सकता, और इसका कॉस्ट RPD यानी कि रिमूवेबल डेंचर से ज़्यादा रहता है। इसका कॉस्ट 3-4 हज़ार रुपये से स्टार्ट होकर 15-20 हज़ार, 30 हज़ार तक भी जा सकता है, जो कि अलग अलग मटेरियल और आपके डेंटिस्ट की क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस पे डिफ़र करेगा। तो तीसरा ऑप्शन जो हमारे पास है वो है डेंटल इम्प्लांट्स, जो कि आजकल मॉडर्न चिकित्सा पद्धति है। इसमें ये एक सर्जिकल ऑप्शन है, इसमें आपका जो दांत मिसिंग है उस जगह पर डेंटिस्ट एक होल ड्रिल करते हैं जिसमें एक दांत की शेप का इम्प्लांट लगाया जाता है, जो कि आपकी हड्डी में ही फिट हो जाता है। इसमें आसपास के दांतों को छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, उनकी कटिंग नहीं करनी पड़ती। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, एक डेंटल इम्प्लांट लगाया जाता है और उसके ऊपर फिर कुछ दिनों बाद कैप लगाई जाती है। डेंटल इम्प्लांट सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन है, इसलिए इसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा रहता है। ये कम से कम 15,000-20,000 से स्टार्ट होकर 40-50,000 एक दांत के लिए इतना कॉस्ट इसका हो सकता है। तो ये थे ऑप्शन हमारे पास पार्शियल डेंचर्स के। अब हमारे पास हम आते हैं कंप्लीट डेंचर्स की तरफ, जब पेशेंट के मुँह में एक भी दांत नहीं है। तो उस केस में सबसे पहला ऑप्शन जो हमारे पास है, जो कि पुराना ट्रेडिशनल ऑप्शन है, कंप्लीट डेंचर। ये जैसा हम देखते हैं बड़े बुज़ुर्ग लगाते हैं जिनके सभी दांत निकल गए हैं, इसमें डेंटिस्ट ऊपर और नीचे की पूरी कंप्लीट सेट बनाते हैं, प्लेट्स बनाते हैं, जिसमें एक प्लेट में 14 दांत रहते हैं, ऊपर के जबड़े में 14 दांत और नीचे के जबड़े में 14 दांत। तो इसमें डेंटिस्ट जो है अपर और लोअर कंप्लीट डेंचर लगाते हैं, पेशेंट इसको दिन भर लगा कर रखता है। ये रिमूवेबल रहता है, तो पेशेंट रात को इसे निकाल कर अच्छे से ब्रश करके अपने कंटेनर में पानी डाल के रख सकता है और फिर दिन भर लगा सकता है। इसका कॉस्ट 5-6 हज़ार रुपये से लेकर 10-15 हज़ार, कभी कभी 25-30 हज़ार भी जा सकता है। और दूसरा ऑप्शन जो कंप्लीट जिनके मिसिंग टीथ हैं उनके लिए है आपका कंप्लीट डेंचर विद इम्प्लांट्स, इसको इम्प्लांट सपोर्टेड ओवर डेंचर भी कहा जाता है। जो इसमें डेंटिस्ट आपके जबड़े में, ऊपर के जबड़े में 2 इम्प्लांट और नीचे के जबड़े में भी 2 इम्प्लांट लगाते हैं और उसके ऊपर ही आपका कंप्लीट डेंचर फिक्स कर देते हैं। यह है ऑप्शन उस केस में चाहिए होता है जब ऊपर और नीचे के जबड़ों की हड्डी काफ़ी कम रह गई है और कंप्लीट डेंचर पूरा सपोर्ट नहीं दे पाते, उनसे वो सपोर्ट नहीं ले पाते और पेशेंट के मुँह से बाहर आते रहते हैं। तो पेशेंट को लगता है कि मेरे को कुछ बेटर ऑप्शन चाहिए, इन्हीं कंप्लीट डेंचर्स को ही ओवर डेंचर के ऊपर लगा दिया जाता है, कंप्लीट डेंचर को ही इम्प्लांट्स के ऊपर लगा दिया जाता है।
तो इसको इम्प्लांट सपोर्टेड ओवर डेंचर कहा जाता है। इसका कॉस्ट कंप्लीट डेंचर से ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि इसमें कंप्लीट डेंचर के साथ साथ इम्प्लांट भी हैं। तो अब तीसरे ऑप्शन की तरफ आते हैं, इसमें हमारे पास फुल्ली इम्प्लांट सपोर्टेड प्रोस्थीसिस वो है, उसमें आपके ऊपर और नीचे के जबड़ों में इम्प्लांट फिट किए जाते हैं, जिसके ऊपर कैप या ब्रिज लगाए जाते हैं। इसमें एक जबड़े में 6 से 8 इम्प्लांट लगाने की जरूरत पड़ सकती है, और उसके ऊपर आप डेंटिस्ट आपके जो है फिक्स टीथ लगाते हैं, जैसे फिक्स पार्शियल डेंचर में लगाए जाते हैं। तो इसका कॉस्ट सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इम्प्लांट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इम्प्लांट ट्रीटमेंट काफ़ी कॉस्टली रहता है। तो इसका कॉस्ट 2-2.5 लाख रुपए से लेकर 3-4 लाख तक भी जा सकता है। तो ये था सभी तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, जो दोनों कंडीशंस में, जिसमें पार्शियल डेंचर्स या कंप्लीट डेंचर्स आ जाते हैं। तो आप अपने डेंटिस्ट के साथ कंसल्टेशन में इन ऑप्शंस को लेकर डिस्कस करिए, जिस तरह से आपको आपकी बजट के अकॉर्डिंग, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसका चुनाव कर सकते हैं। थैंक यू, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेफ रहें, पॉजिटिव रहें, वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।